गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेंथ नाइट तो रसायन की बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट की शुरुआत अपन करने जा रहे हैं और वो है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड तत्वों का रसायन। तो पहले हम लेंथेनाइड तत्वों के रसायन की बात करेंगे, उसके बाद फिर एक्टिनाइड तत्वों के रसायन की बात करेंगे। तो लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं और कौन कौन से तत्व हैं उसके बारे में पहले सामान्य जानकारी आप देखिए कि सबसे पहले मैंने ये नाम लिख दिए हैं लेंथेनाइड्स के, अभी इनके सिंबल्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसको शुरुआत करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या कैसे हुआ है। चलिए, लेंथेनम इसका प्रतीक होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो होता है 57। 57 पे आता है लेंथेनम, जो लेंथेनाइड एलिमेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है सीरियम, सीरियम को Ce से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो है 58। फिर इसी डायमियम Pr 59, नियोडाइमियम Nd से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल है Nd, एटॉमिक नंबर 60। फिर है प्रोमीथियम Pm से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 61। समेरियम नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है समेरियम, समेरियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 62। ईयू यूरोपियम, यूरोपियम का सिंबल है ईयू, एटॉमिक नंबर 63। फिर है गैडोलिनियम जीडी, गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64। फिर है टर्बियम, टर्बियम एटॉमिक नंबर 65। फिर है डाइस्ट्रोसियम, डाइस्ट्रोसियम Dy एटॉमिक नंबर हो गया उसका 66, सिंबल हो गया Dy। होलियम HO से रिप्रेजेंट करते हैं होलियम को और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 66। फिर नेक्स्ट है इरबियम, इरबियम का एटॉमिक जो है वो सिंबल जो है वो है Er और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 68। ये है इरबियम। फिर है थुलियम, Tm थुलियम, थुलियम थुलियम का एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 69, सिंबल जो हो गया वो Tm। फिर है इटरबियम, सिंबल है Yb, सिंबल है Yb और एटॉमिक नंबर 70। और नेक्स्ट एलिमेंट है ल्यूटीशियम, Lu और इसका सिंबल Lu और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 71। तो ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ एलिमेंट्स लिखे जो लेंथेनम 57 से शुरू होकर फिर सीरियम, फिर ये प्रेसिडाइनियम, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए ल्यूटीशियम तक 71 तक मैंने लिखे। अब आप लोग यहां से देखिए, मैंने कहा लेंथेनम जो है वो लेंथेनाइड एलिमेंट नहीं है, उसके बाद आने वाले एलिमेंट लेंथेनाइड एलिमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 58 से लेके 71 तक ये 14 एलिमेंट जो है वो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं। वो लेंथेनाइड एलिमेंट्स जो है 14 एलिमेंट्स, उनके क्या क्या नाम है और उनके क्या सिंबल है, क्या एटॉमिक नंबर है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि लेंथेनाइड एलिमेंट होते क्या है, कैसे क्या इनका हुआ। चलिए,
जब हम डीप लोग एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी जब हमने पढ़ी थी, तो उस टाइम हमने ये बात की थी कि एस ब्लॉक इधर होता है, इधर दो जो ब्लॉक होते हैं, पहले दो वर्ग जो होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं, और इधर होता है पी ब्लॉक, इधर क्या होता है पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है यहाँ तक और यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो इन एस और पी ब्लॉक को जोड़ने वाला जो ब्लॉक था वो था डी ब्लॉक, वो क्या था डी ब्लॉक। इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स को वो संक्रमण तत्व कहते थे, संक्रमण तत्व, क्योंकि एस और पी को जोड़ने का कार्य करते थे। देखिए यहां से पहला और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक में आ जाता है, दो वर्ग आ जाता है एस ब्लॉक में, उधर छह वर्ग जो है वो पी ब्लॉक में आते हैं, तो दो वर्ग के बाद तीसरा वर्ग जो है, तीसरे वर्ग से डी ब्लॉक शुरू होता है, दूसरे वर्ग और तेरहवें वर्ग, यहां पर जो है ये पहला वर्ग जो होता है वो तेरहवा वर्ग होता है, और यहां पर जो होता है ये दूसरा वर्ग, दूसरे और तेरहवें, दूसरे वर्ग को तेरहवें वर्ग से जोड़ने का कार्य करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनको कहते हैं संक्रमण तत्व। उसके बाद दूसरे वर्ग के बाद में यहां पर तीसरा वर्ग आएगा, फिर यहां पर चौथा वर्ग आएगा, इस तरह से फिर पांचवा वर्ग आएगा, इस तरह से आगे वर्ग बढ़ते जाएंगे, पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिर तेरह चौदह पंद्रह, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए तो उसके बाद में क्या है, देखिए कि इधर से यूं चलेंगे तो ये आवर्त होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से आवर्त चलेंगे। तो उसी तरह से हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर छठे आवर्त में, आवर्त नंबर छह, देखिए जो मैं कहानी समझाना चाह रहा हूं वो उसको आप ध्यान से दोबारा से समझ लीजिए, समझ लीजिएगा कि हम आवर्त सारणी की बात करें, आवर्त सारणी में पहले दो जो वर्ग है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है और लास्ट के छह वर्ग जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, और इन दोनों के बीच में जो दस वर्ग जो है, दस ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि एस और पी को जोड़ने का कार्य ये डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ये संक्रमण तत्व। अब हम ये बात कर रहे हैं कि पहला दूसरा वर्ग हो गया, फिर तीसरा डी ब्लॉक का, चौथा पांचवा छठा, ऐसे चलता जाएगा, यानी कि बारह तक डी ब्लॉक का चलेगा, फिर उसके बाद में तेरहवें से पी ब्लॉक का शुरू हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सब तीसरे और चौथे वर्ग में फिर इधर से यो लाइनें चलती है, ये खड़े तो वर्ग कहलाते हैं, यो लाइनें जो चलती है वो आवर्त कहलाते हैं, तो ये आवर्त में छठे आवर्त की हम बात कर रहे हैं, कौन से आवर्त की बात कर रहे हैं, छठे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठे आवर्त की बात कर रहे हैं। छठे आवर्त में तीसरे वर्ग और चौथे वर्ग, देखिए ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, तीसरे वर्ग में छठे, छठे आवर्त में तीसरे वर्ग में तत्व आता है लेंथेनम, कौन सा आता है लेंथेनम, छठे आवर्त में तत्व आता है लेंथेनम 57, जिसका परमाणु क्रमांक 57। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ग आता है फोर्थ वर्ग, और आवर्त वही है छठा आवर्त, आवर्त वही है कि इस छठे आवर्त में ये तीसरे वर्ग में तत्व लेंथेनम आता है, और उसके आगे चौथे आवर्त में, सॉरी छठे आवर्त में तीसरे वर्ग में लेंथेनम एलिमेंट आता है, और फिर छठे आवर्त में चौथे वर्ग में जो एलिमेंट आता है वो आता है हैफनियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 72। ध्यान देना, छठे आवर्त में तीसरे वर्ग में तो लेंथेनम आता है, फिर चौथे वर्ग में अगला जो कोलम है उसमें आता है हैफनियम, उसका परमाणु क्रमांक है 72। अब बात यह है कि आवर्त सारणी में जो तत्व भरे जाते हैं वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो एक एक का क्रम बढ़ता जाता है, एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। लेकिन यहां पर तो डायरेक्ट ही सीधे 57 के बाद सीधा 72 आ गया, यानी 14 एलिमेंट गायब है, कितने एलिमेंट गायब है 14 एलिमेंट गायब है। बोलिए 14 एलिमेंट गायब, बोले 14 एलिमेंट जो है वो इस तीसरे वर्ग को चौथे वर्ग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, 14 एलिमेंट कहां है
कि इस तीसरे वर्ग को इस चौथे वर्ग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और आवर्त सारणी में उसको यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि फिर ये आवर्त सारणी बहुत ही असुविधाजनक हो जाती है, इसलिए उसको यहाँ चिट चिपका के पीछे की तरफ है, वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, आवर्त सारणी के पीछे की तरफ है, यहीं पर चौदह एलिमेंट है। तो वो चौदह एलिमेंट जो है वो कहां से, 57 के बाद में 58 से शुरू होते हैं, 58 से शुरू होते हैं, और 58 के बाद में कहां तक जाएंगे, 71 तक, 58 से शुरू होकर के कहां जाएंगे, 71 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं, ये एलिमेंट से ये डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्वों के दो वर्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व, इनको क्या कहेंगे हम, अंतर संक्रमण तत्व है, क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के भी दो वर्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर ये लेंथेनम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, ठीक है, किसमें जाता है, 5d में जाता है, और 5d और एक होता है 4f, 5d और 4f जो होते हैं इनकी ऊर्जाएं लगभग समान रहती है। मैं रिपीट कर देता हूं, लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है और 5d और 4f कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान रहती है, अर्थात जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे 4f की ऊर्जा कम होती चली जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन लेंथेनम में 5d में जाता है, उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन 5d में ना जा करके 4f पे चला जाता है, और उसके बाद लगातार जो कि f जो कोश है वो f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जैसे ही लेंथेनम के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है तो 4f की एनर्जी कम होती है और कम ही बनी रहती है, इसलिए आगे आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार f उपकोष में ही f कक्षकों में ही भरे जाते हैं, इसलिए इन 14 तत्वों को f ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इन 14 तत्वों को क्या कहते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन f उपकोष में भरा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये 14 तत्व जो है पहले ये प्रकृति में बहुत कम ज्ञात थे, क्योंकि उतना रसायन शास्त्र का उतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए प्रकृति में बहुत कम ज्ञात थे, इसलिए प्रकृति में कम ज्ञात होने के कारण इनको दुर्लभ तत्व कहा जाता था। प्रकृति में कम मात्रा में ज्ञात होने के कारण इनको क्या कहते थे, दुर्लभ तत्व कहा जाता। और देखिए जब भी ये प्रकृति में जिसको भी मिले वो इनके ऑक्साइड की फॉर्म में मिले, किसकी फॉर्म में मिले, ऑक्साइड की फॉर्म में, यानी प्रकृति में इन तत्वों को जब ज्ञात किया गया तो ये ऑक्साइड के रूप में पाए गए, और पुराने जमाने में ऑक्साइड को मृदा यानी मृदा कहते थे, क्या कहते थे, मृदा कहते थे, इसलिए ये ऑक्साइड के फॉर्म में थे और प्रकृति में बहुत कम ज्ञात थे, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाने के कारण, और इनके ऑक्साइडों को मृदा कहते थे, ऑक्साइड के फॉर्म में ही ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ये थी लेंथेनाइडों की बात कि लेंथेनाइडों को अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, वो सभी जानकारियां मैंने आप लोगों को बता दी है। ये जो तत्व है ये आवर्त सारणी में कहां पर व्यवस्थित है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए एक और बात इसमें, तो हमने कहा कि लेंथेनाइड जो होते हैं वो 4f उसमें f कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4f। हमने कहा कि इससे पहले आने वाला जो तत्व था लेंथेनम उसमें 5d में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था, और जब 4f और 5d एक साथ चल रहे हैं तो s तो अगला वाला आता है, बट d n माइनस 1d होता है, तो s तो 6s भी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s में भी होते हैं, 5d में भी होते हैं और 4f में भी होते हैं, तो इसलिए लेंथेनाइड तत्वों में
एन माइनस टू भाई, इसको अगर एन एस माने अपन, ये क्या है एन एस है, तो ये डी कौन सा हो गया, एन से एक कम हो गया, तो एन माइनस वन डी हो गया, और ये एन माइनस टू ये एफ हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई, अपन सिक्स को एन मान ले तो फाइव एन माइनस वन हो गया, और ये फोर क्या हो गया एन माइनस टू हो गया। तो यानी मेंथेनाइड जो तत्व है उसमें तीन कोश अपूर्ण रहते हैं, एन एस एन माइनस वन और एन माइनस टू, एन एन माइनस वन और एन माइनस टू, एन एस एन माइनस वन डी और एन माइनस टू एफ, यानी तीन कोश अपूर्ण रहते हैं, तीन कोशों में इलेक्ट्रॉन वेरिएशन, इलेक्ट्रॉनों का वेरिएशन चलता रहता है। तो ये है लैंथेनाइड एलिमेंट। लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सीरियम से शुरू होते हैं, सीरियम 58 से शुरू होकर के ल्यूटीशियम 71 तक जाते हैं, ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में और आगे जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।